हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंट्स के फर्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी को पूरी शुरू से स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है, इतिहास क्या है इसके बारे में, और किस कौन है इनके जनक, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। अगर हिस्ट्री का बात करें तो अकाउंट्स के फादर हैं लुका फ्रा पैसियोली। इन्होंने अकाउंट्स के जन्मदाता है, अकाउंटेंसी के जन्मदाता है लुका फ्रा पैसियोली, इज़ द फादर ऑफ अकाउंट्स। और इन्होंने अकाउंट्स को शुरू किया करीब 1494 ईस्वी में, 1494 में। और इनका बेसिक था न्यूटन का थर्ड लॉ। अब आपको पता होगा, याद होगा, तो बताओ न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, यही बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो उसी तरह लुका फ्रा पैसियोली ने बोला एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट। दो वर्ड का यूज़ किया, डेबिट और क्रेडिट। उन्होंने बोला कि एक हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होगा, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, इसीलिए हमारा बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगा। फ्यूचर में पता चलेगा आप लोगों को बैलेंस शीट बोल के कुछ होता है। अब बात आता है कि डेबिट को हम लोग डिनोट करते हैं DR से और क्रेडिट को डिनोट करते हैं CR से। तो तुम लोग के पास मन में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, या नहीं भी हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ क्या दिक्कत है। डेबिट में भैया DE है ना, और हम लोग लिख रहे हैं DR, और क्रेडिट में चलिए भैया CR है तो हम CR लिखें चलेगा, लेकिन डेबिट में तो R कहीं है ही नहीं भैया, और R नहीं है तो हम R लिखेंगे क्यों। किसी भी शॉर्टकट का, अगर सपोज़ करो कि मेरा ही नाम अगर KKS है, तो ऑब्वियसली मेरे KKS में KK होगा कुछ ना कुछ, उसी तरह DR होना चाहिए। तो हम तुम लोगों को बता दें कि ये लैटिन वर्ड डेब्रे से लिया हुआ है, और ये भी लैटिन वर्ड क्रेड्रे से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है डेबिटम और क्रेडिटम। दैट मीन्स डेबिटम मतलब देने वाला और क्रेडिटम मतलब लेने वाला, है ना। और ये डेबिट डेब्रे का DR लिया गया है, और यहाँ का क्रेड्रे का CR लिया गया है ना। या फिर कोई कोई टीचर्स ये भी बोल सकते हैं कि डेबिट रिकॉर्ड के लिए DR लिखा जाता है और क्रेडिट रिकॉर्ड के लिए CR लिखा जाता है ना। तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझाने का तरीका अलग है। बट बेसिकली इट इज़ द मेन रीजंस फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी हो, पूरा अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट ही है। और दूसरा बात, अकाउंट्स को अगर हम देखा जाए तो चार भागों में बांट सकते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी, है ना, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब एसेट्स क्या होता है? एसेट्स इज एनीथिंग विच प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट। एसेट्स वो सारी चीज़ें जो हमें फ्यूचर में फ़ायदा देगी, वो सारी चीज़ें मेरे लिए क्या होंगी, एसेट्स। जैसे मेरा बिल्डिंग मेरे को फ्यूचर में रहने के लिए निवास देगा, मेरा मशीन प्रोड्यूस करके देगा, मेरा कैश मेरे को मौका पे काम देगा, मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे को टाइम पे काम देगा। तो वो सारी चीज़ें जो कि मेरे को फ्यूचर बेनिफिट दे, दैट इज़ माई एसेट्स। लाइबिलिटी क्या होता है? एनीथिंग owed by the business, owed by the business, कोई भी चीज़ जो कि बिजनेस के द्वारा पाया जाता है, मतलब बिजनेस उधार लिया है किसी से, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। इसीलिए कैपिटल भी बिजनेस जो है उधार लिया रहता है बिजनेसमैन से, इसीलिए कैपिटल को भी लाइबिलिटी दिखाया जाता है। या फिर क्रेडिटर, सप्लायर, जिससे हम लोग सामान उधार में खरीदते हैं, अगल बगल वाले रामू काका उसे उधार लेते हैं ना, दुकानदार, वो सब आते हैं क्रेडिटर्स, है ना। इनकम क्या होता है? इनकम वो चीज़ होता है जो चीज़ को हमको सेल करके जनरेट होता है ना। सपोज़ करो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट। अगर मैं कोई चीज़ 10 का ख़रीद रहा हूँ, है ना, कोई चीज़ 10 का ख़रीद रहा हूँ और उस चीज़ को मैं 12 में बेच रहा हूँ,
तो ये जो 12 में सेल कर रहा हूँ ना, है ना, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम। और ये जो 10 में खरीदा, दैट इज़ माई एक्सपेंसेस। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, दैट इज़ माई प्रॉफिट, दैट इज़ 2 रुपीज़। तो इनकम और प्रॉफिट में अंतर होता है, ये समझ के रखो, है ना। और उसी तरह एक्सपेंसेस और लॉसेस में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? एक्सपेंसेस वो चीज़ होता है कि अगर किसी चीज़ के लिए अगर हम पेड कर रहे हैं और उसके बदले में मेरे को कुछ मिल रहा है, जैसे सपोज करो एक 10 रुपीज़ पेड किए पेन परचेस करने के लिए, तो मैंने कुछ दिया तो मेरे को कुछ मिला इन रिटर्न, बट इन लॉस कुछ रिटर्न में नहीं मिलता है। जैसे हम रास्ते से जा रहे थे और मेरा वैलेट क्या हो गया, गिर गया, और वैलेट गिरने की वजह से मेरे को 1000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वहाँ से तो रिटर्न कुछ होने वाला नहीं है ना, कि मेरे को चोर रिटर्न कर देगा पैसा, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। क्लियर? दैट्स इट, थैंक यू।